नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक्ड कॉम्पिटिशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BSF हेड कांस्टेबल 2022 एग्ज़ाम के लिए GK का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे तथा ये अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, विच इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। तो कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है और यह भारत में एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। दोस्तों भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, RRBs are owned by। तो दोस्तों RRB का फुल फॉर्म सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश में बोलें तो रीजनल रूरल बैंक और हिंदी में बोलेंगे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो किनके द्वारा स्वामित्व होता है उनमें? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें 50% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का होता है, 35% यानी कि 35% शेयर स्पॉन्सर बैंक का, जो बैंक उन्हें प्रायोजित करते हैं, और 15% जो है राज्य सरकार का स्टेक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जीरो आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द गिफ्ट ऑफ विच कंट्री। तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है वो किस देश की देन है? दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में जो है वह प्रश्नकाल और शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल में ऐसा होता है कि प्रायर नोटिस दिया जाता है कि हाँ हम इस टॉपिक पे डिबेट करेंगे, तो प्रश्नकाल में पूर्व नियोजित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल में बिना किसी प्रायर नोटिस के रेंडम कोई भी सवाल आपसे किसी भी मुद्दे पर डिबेट की जा सकती है। तो इसे क्या बोलते हैं? जीरो आवर बोलते हैं। और दोस्तों जो जीरो आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह इंडिया की देन है, ठीक है। यह इंडिया ने इनोवेशन किया है, इसका बहुत अच्छा इनोवेशन है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है, इंडिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको शून्यकाल और प्रश्नकाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूड्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में इनमें से कौन सा वर्ड समाविष्ट नहीं है? फेडरल, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट या सेकुलर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फेडरल। यानी कि हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों फेडरल क्या होता है? फेडरल मतलब होता है संघीय व्यवस्था जिसमें कि टू फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट चलती है, सॉरी दो लेवल चलते हैं गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक। बड़े मामले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और जो राज्यों के छोटे मामले होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो इसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। भारत भी एक फेडरल स्टेट है। अगला प्रश्न है, विच नेबरिंग नेशन हैज फर्स्ट अडॉप्टेड इंडियाज भीम UPI पेमेंट सिस्टम। किस पड़ोसी देश ने सबसे पहले भारत के भीम UPI भुगतान प्रणाली को अपनाया? दोस्तों आज के समय में जो है सभी लोग UPI करते हैं। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और भीम UPI जो है भारत द्वारा बनाया गया है। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जिसने इंडिया के भीम UPI को अडॉप्ट किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। दोस्तों भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की जो करेंसी है वह नगल ट्रम। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूटान की करेंसी का नाम बताइए, तो भूटान की करेंसी का नाम है नगल ट्रम, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द टकलामाकन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। टकलामाकन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह चाइना के जिनजियांग प्रांत में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, चाइना में स्थित है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह अंटार्कटिका डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है दोस्तों? अंटार्कटिका डेजर्ट, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इतनी बात आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, इन विच स्टेट इज द मैकाल रेंज लोकेटेड।
तो भारत के किस राज्य में मैकाल श्रृंखला स्थित है? मैकाल श्रृंखला एक पर्वत श्रृंखला है जो कि समुद्र तल से 941 मीटर 941 मीटर इसका एलिवेशन है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश से भारत के छत्तीसगढ़ राज्य तक फैली हुई है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य ईस्टर्न मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक ये रेंज फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? दोस्तों जो हमारे वन्यजीव विलुप्त हो रहे हैं उनका मुख्य रीजन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑफ हैबिटेट। ठीक है, जो भी हमारे प्राकृतिक पशु हैं, जो भी हमारे जानवर हैं, उनका जो प्राकृतिक आवास है, हैबिटेट क्या होता है? प्राकृतिक आवास, जहाँ वो मूल रूप से निवास करते हैं, सॉरी, तो उनका जो हैबिटेट अगर ख़त्म होगा तो वो भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगी, उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक रिपब्लिक? प्रसिद्ध बुक रिपब्लिक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये रिपब्लिक जो है राजनीतिक विज्ञान की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लेखक हैं दोस्तों प्लेटो, 1376 ईस्वी में ग्रीस के प्लेटो नामक व्यक्ति द्वारा रिपब्लिक बुक लिखी गई थी, और ये रिसेंटली लगातार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक नंबर आपको एग्जाम में देखे जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर लेवल इन ह्यूमन बॉडी? तो कौन सा हार्मोन मानव शरीर में जल के लेवल को नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर में वाटर बैलेंस कौन से हार्मोन द्वारा बनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ADH। ADH हार्मोन जो है हमारी लेवल बॉडी में वाटर लेवल को बैलेंस करता है। दोस्तों यहाँ से ADH का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन हमारी बॉडी में वाटर लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फीयर लीड्स? तो जो क्षोभ मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है उसका अवक्षेपण किससे होता है, उसका डिप्लेशन क्यों हो रहा है? दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस है उससे क्या है कि जो सूर्य से आने वाली परावैगनी विकिरण हैं वो हमारे ओजोन लेयर को क्या कर देती हैं? डिप्लीट कर देती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो यूवी रेज होती हैं, कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फीयर। आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर कहाँ होती है, तो आप बताएंगे ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द क्रॉप्स इज नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? तो निम्नलिखित में से किस फसल को महाराष्ट्र में सफ़ेद सोने के रूप में जाना जाता है? दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कॉटन का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कॉटन को सफ़ेद सोना कहा जाता है। यहाँ पर कॉटन की एक स्पीसीज बनाई गई है जो काफ़ी बेनिफिशियल है, उसको बोला जाता है बीटी कॉटन। बीटी का फुल फॉर्म है बेसिलस थुरिएंसिस। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? दोस्तों जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मेटल्स में से जो धातुएं होती हैं उनमें से हीट पास हो जाती है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें से हीट पास नहीं होती है। ठीक, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें से हीट पास नहीं होती है, वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर मर्क्यूरी और लेड जो हैं ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर है लेड, यानी कि सीसा, इसको Pb बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Pb। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, तो जो उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है? दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वह चीफ जस्टिस को नियुक्त कर सकता है। कमेंट में बताइए प्रेजेंट में भारत की राष्ट्रपति का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट हैज़ बीन एडेड टू प्रीएम्बल बाई विच अमेंडमेंट? तो भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रीएम्बल है, उसका प्रस्तावना है, उसमें धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़े गए। और दोस्तों भारत के संविधान में हम अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल 368
आर्टिकल नंबर 368 के तहत हम भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।